अजय और विजय मेरे मित्र हैं, उत्तर से जीशान का भी फ्राइडे टू फ्राइडे वाले भी मेरे मित्र हैं, और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो इस पूरे टूर्नामेंट में खेलते रहे हैं, मलकान सिंह हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ऑफकोर्स उनके साथ गेम में जब ये टूर्नामेंट चल रहा था तब भी मैं देख रहा था, और अभी फिर से ये इंटरनेशनल हो रहा है तो बहुत अच्छा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है सभी को बाहर जाने का और क्रिकेट खेलने का एक अपने अंदाज में। अच्छा है, बहुत बढ़िया भाई। इस देश में ऐसा कोई शायद ही कोई आदमी होगा जो क्रिकेट का शौकीन नहीं रहा होगा। मैं हमेशा रहा हूँ, और थोड़ा सा सचिन पाजी जब आउट इन द सेंस रिटायर हो गए तो थोड़ा सा कम हो गया, बट स्टिल विराट कोहली इज देयर, इंडियन टीम इज देयर स्पेशली, सो या एवरीबडी इज आई थिंक जी। नहीं, मैं उस फिल्म का पार्ट इतना ही हूँ कि मैं कमांडो 1 में था और अभी मैं दर्शक की भूमिका निभाऊंगा, तो मैं कमांडो 2 में नहीं। ऑफकोर्स है, देखिए आप कभी एक इस तरह की एक सीरीज जब बनती है तो उससे जुड़े हुए जो भी जितने भी लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं से उससे एक जुड़ाव महसूस करते हैं, चाहे आप बेशक उसके पार्ट ना रहे हों। और विद्युत बहुत अच्छे मित्र हैं, विपुल जी बहुत उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बनती है, तो मैं शुभकामनाएँ हैं सबको, और मैं चाहूँगा कि कमांडो 2 बहुत बड़ी हिट हो। थैंक यू। एक्चुअली BCL जस्ट हैपेंड दिस ईयर, मेरा बिल्कुल मतलब मेरा माइंड था ही नहीं कि मैं क्रिकेट भी खेल सकती हूँ, बट अजय हेल्प मी एंड ही सेड दैट यू कैन डू इट, तो मैंने बहुत मेहनत की थी हमारे जो कलर्स में जो BCL आता है उस पर ऑल्सो, एंड आई प्लेड एंड लकीली एवरीबडी रिकग्नाइज माई हार्ड वर्क और आई गॉट वट आई वॉन्टेड, सो नाउ BCL इज गोइंग ऑन एन इंटरनेशनल लेवल and I just wish luck to all of them who are associated and I am so happy to be part of it and I am going to play and you know fly there and bahut masti hone wali hai aur bahut hard work hone wala hai so I'm very excited. हाँ, इस साल लकीली लड़कियाँ हावी रही हैं, उसमें से मैं थी एक वन ऑफ द प्लेयर, सो आई फील वेरी ब्लेस्ड कि भगवान ने मेरा साथ दिया एंड माई कोच, सो इस बार लड़कियों ने रूल किया है तो आई गेस इंटरनेशनल लेवल पे भी लड़के ही रूल करेंगे। BCL के साथ पिछले 2 साल से मैं एसोसिएटेड हूँ, इनफैक्ट दिस इज़ द 3rd सीजन विच आई एम एसोसिएटेड विद, एंड जैसे कि मैं BCL का वन ऑफ द टीम ओनर्स भी हूँ अहमदाबाद एक्सप्रेस का, तो इट फील्स वेरी प्राउड दैट दिस गेम इज़ गेटिंग बिगर एंड बिगर, एंड जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, बालाजी ने प्रॉमिस किया था कि इस गेम को और बड़ा बनाते जाएंगे, बिगर GEC चैनल कलर्स और कलर्स के साथ साथ अब इंटरनेशनल हो रहा है, तो मेरे ख्याल से जो इंडिया की ऑडियंस की जो रीच है, हमारे जो BCL की रीच अब और बड़ी हो जाएगी, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले साल इसे और बड़ा बनाए, IPL के लेवल तक ले जाए, तो आई विश द होल BCL टीम अ वेरी ऑल द बेस्ट, एंड बहुत बड़ा स्टेप है, इंटरनेशनल जा रहे हैं, क्रिकेट जा रहा है, एंड स्पेशली गर्ल्स खेल रही है, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग फॉर एवरीबॉडी, एंड जो हमारे फैंस है, जो व्यूअर्स है, जो US ऑल ओवर द वर्ल्ड है, स्पेशली US बिकॉज एज इट इज़ BCL इज कमिंग टू US, सो आई फील दे विल गेट टू मीट ऑल द एक्टर्स, ऑल द कैरेक्टर्स, एंड दे विल गेट अ चांस टू सी एवरीबडी प्ले क्रिकेट, स्पेशली गर्ल्स, तो US तैयार हो जाइए,
बॉम्बे का जो तड़का मड़का जो मिर्च मसाला है वो आ रहा है यूएस में थोड़ा सा तड़का डालने के लिए, एंड BCL इज़ गोइंग टू रॉक इन द कमिंग फ्यू ईयर्स. तो बस आप देखते जाइए ये गेम कहाँ जाता है. पार्टी एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो एक्टर्स मिल नहीं पाते, जो फ्रेंड्स मिल नहीं पाते, एक ये मौका है जहाँ पे सब मिल जाते हैं. तो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग कि मेरे फ्रेंड्स, मेरे प्लेयर्स, एक्स प्लेयर्स, मेरे एक्स को ओनर्स, मेरे ओनर्स वगैरह जो भी है सब एक साथ में मिलेंगे, डिस्कशन होगा इस बारे में. तो आई फील इट्स वेरी गुड दैट वी ऑल गेट अ चांस टू मीट अप इन सच काइंड ऑफ ओकेशन. एंड जब BCL की बात आ गई है तो प्लेयर्स ही है और प्लेयर्स से पहले फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स से मुलाकात भी हो जाएगी और साथ ही साथ काम की बात भी हो जाएगी. मेरे ख्याल से घर से सेट तक पहुंच जाओ, मेरे ख्याल से लोनावाला तक जाने की ज़रूरत नहीं है. बारिश बहुत है और ऑफकोर्स मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन काम के बारे में ध्यान रखते हुए हर चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है. सो जिस दिन छुट्टी मिलेगी डेफिनेटली, बारिश का मौसम है, लॉन्ग ड्राइव तो बनता ही है, तो जाना ज़रूर बनेगा. मैं तो लास्ट 2 साल से एसोसिएटेड हूँ और इन्हीं के टीम के साथ एसोसिएटेड हूँ. इस बार हमने बहुत मेहनत की, अच्छे से खेला, एंड ऑब्वियसली वी डिड रियली गुड. हमारी टीम की लड़कियाँ एंड इवन फ्यू बॉयज़ टॉप 10 लिस्ट में थे, टॉप 10 प्लेयर्स की लिस्ट में. सो वी ऑलरेडी डिड वेरी गुड इन इंडिया. नाउ ऑफकोर्स इट्स रियली एक्साइटिंग दैट वी आर गोइंग टू US, विच इज़ अमेजिंग. तो बस फिंगर्स क्रॉस्ड एंड वी जस्ट होप फॉर द बेस्ट. एंड हम लोग बस इंटरनेशनली भी छा जाना चाहते हैं जैसे इंडिया में BCL छा गया है. एक्चुअली मतलब काफ़ी टाइम से मेरी कोशिशें चल रही थी और माई कंपनी पैरागॉन एंटरटेनमेंट वी आर ट्राइंग कि BCL, क्योंकि इट्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट, तो उसको इंटरनेशनली ले जाया जाए. और इंटरनेशनली भी मतलब हम लोग ये सोच रहे थे कि कहाँ ले जाएं, मतलब जहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन है या फिर लोग क्रिकेट देखते हैं. और US मतलब बहुत ही मुश्किल था, मुश्किल है एक्चुअली US ले जाना, इतने सारे एक्टर्स को, इतने सब लोगों को एक साथ वहाँ ले जाना. आप सात समंदर पार जा रहे हैं और US की ऑडियंस एक्चुअली एक्साइटेड है कि इतने सारे टेलीविज़न स्टार्स, उनके चहेते स्टार्स हमारे सामने आके क्रिकेट खेलेंगे और मस्ती करेंगे, डांस करेंगे. सो मैंने एक्चुअली वहाँ के मार्केट का सर्वे किया और मतलब मुझे पता चला कि इट्स स्पोर्ट को बहुत पसंद किया जाता है. सो दैट्स व्हाई आई वाज ट्राइंग कि हो जाए, एंड फाइनली हो रहा है. और आज हम लोग सब इसलिए मिले हैं क्योंकि BCL इंटरनेशनल हम लोग अनाउंस कर रहे हैं कि भाई दिस जुलाई वी आर गोइंग देयर एंड वी विल प्ले BCL इंटरनेशनल इन सैन फ्रांसिस्को. Any date has been declared when we'll be playing over there on 30th and 31st July. पार्टी इज़ ऑलवेज फन. ऊपर से जब मौसम ऐसे हो और इतने अच्छे सुहाने क्लोज फ्रेंड्स हो तो इट्स ऑलवेज फन. इन्होंने वैसे भी बहुत सारे पार्टीज ड्यूरिंग BCL भी दिए थे. जो मुझे आज याद आ रहा है, जब हमने स्टार्ट किया था इस सीज़न BCL का, तो ही टोल्ड मी दैट वी माइट पिच टू US टेलीविजन एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. मैं बस सीरियसली आ जाए, यू कैन डू दैट, लाइक वी कैन गो दैट बिग. सो आज वैसे ना यकीन नहीं हो रहा है, ही एक्चुअली मेड इट दैट बिग. Also, Mansina started now, so any plan to travel Lonavala or any or some other places? वो तो हम बहुत बार एक्चुअली जा चुके हैं, अभी हम US सोचते हैं. Okay, any plan to travel overseas? Any plans as in we are traveling overseas already in July end. He already said. Tickets, visa सब हो गए हैं, तो मतलब we already planned. So overseas क्या? दो समुंदर पार करके जाएंगे हम. Thank you.
जल्दी करो।